बहुत मुलायम सॉइल है, बिल्कुल साफ। और छूने में कैसी लग रही है? मक्खन जैसी। अच्छा, बिल्कुल। और सॉइल है, जबकि हम लोगों के दाना, हम लोगों के तो ऐसा है, ऐसी सॉइल है कि अगर किसी को वो ढेला उठा के मार दें तो सर फूट जाए। अच्छा, तो इस क्रॉप में तो फूल भी बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ये खूब फूल दिख रहे हैं। अच्छा, और पौधे? पौधे बहुत स्वस्थ, जितनी ब्रांचिंग है इतनी ब्रांचिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। अच्छा, तो भाई साहब आप तो बड़े लेवल पर खेती कर रहे हैं, और आपने मटर की फसल भी खूब देखी हुई है। देखी है और की हुई भी बहुत है। अच्छा, मटर में इस तरह देखिए कि ये डंडियां आ गई, जितना स्वस्थ पेड़ जी, पत्तियां, हाँ, फ्लावर है। हाँ, हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इतना स्वस्थ मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो विनीत माफीदार जी, आप बताइए कि आप इसमें आपने जो काम किया है वो कहाँ से स्टार्ट किया है? सबसे पहले तो हमने आपके द्वारा दी हुई वो सजीव मिट्टी, अच्छा, वो मैंने डाली। हाँ, पंचगव्य डाल रहे हैं। वर्तमान में पंचगव्य डाल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी मिट्टी पहले कैसी थी? पहले बहुत हार्ड थी। अच्छा, कैसी हार्ड? मतलब कड़ी थी मिट्टी, अब तो रबर टाइप की हो गई है बैक्टीरिया उड़ जाने के कारण। अच्छा अच्छा, तो ये कितने साल से आपकी मिट्टी ऐसी हो गई? 4 साल से हो गई ऐसी। अच्छा, तो आपने भूमि उपचार किया है। अच्छा, अभी देखिए आपके खेत में कहीं कोई फंगस नहीं है, दूर तक देखेंगे कहीं कोई इसी फंगस की समस्या क्या? ये हैं अतरिया ग्राम के माफीदार ब्रदर्स विनीत माफीदार और दिलीप माफीदार जी। इनके खेत की पूरी 70 एकड़ की मिट्टी चाय पत्ती जैसी मुलायम हो गई है। इसमें हवन सामग्री की जैसी सौंधी खुशबू भी आती है। पहले ऐसा खेत था माफीदार जी आपका? जी नहीं। कैसा था? बहुत कड़ी थी। अच्छा, और बहुत फंगस होती थी पहले। अच्छा, अब कहीं फंगस तो कहीं नहीं दिख रहा है, एकदम हरी हरी है। अच्छा, इतना बढ़िया जो कलर आया है जी, इतना जो हरी कच्च दिख रहा है, उपज आपकी बढ़ रही है? बढ़ रही है। पहले कितना क्विंटल निकलता था मटर? 60 बोरा निकलता था पर एकड़। अच्छा, अब 100 बोरे निकल रहा। 100 बोरे, तो ये पिछले 3 साल से आप जो है 100 बोरे प्रति एकड़ आपके मटर निकल रहे हैं। जो कुछ है ये आपका है, आप किसी को देना तो नहीं है? नहीं। और अभी आपके किसान 2-2 घंटे की शिफ्ट डाल दी, वो खर्च बचा लिया, और अभी 2-2 घंटे की शिफ्ट अभी डाल रही है। ये सब देखो मिट्टी, बिल्कुल हाथ से करते रहो इसको। ये बताओ तो किसान हो, कहीं शर्म करो यार, जाके देखो तो ऐसे जी। देखो एक डंठल से 3 फूल निकल रहा है, 2 निकलते प्राय। हाँ, आपकी सभी फसलें बहुत अच्छी आ रही हैं, उसका कारण क्या है? पिछले 2 साल से अपन भूमि उपचार कर रहे हैं आपके बताए अनुसार, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो मिट्टी जो है ये बिल्कुल एकदम बारीक हो गई है, भुरभुरी हो गई। पहले ऐसी नहीं रहती थी, पहले ढीले रहते थे, मिट्टी हार्ड रहती थी। तो इसमें क्या है, जो अपनी फफूंद है जमीन के अंदर वो पूरी ख़त्म हो गई है, जड़ में किसी प्रकार की कोई फंगस नहीं है। पहले ऐसी खेती थी क्या? नहीं नहीं, पहले ऐसी नहीं थी। पहले कैसा था? पहले मतलब हम जैसे झाड़ उखाड़ते थे, हाँ हाँ, तो सख्त से झाड़ उखाड़ जाता था। हाँ हाँ हाँ, जड़ बहुत कमजोर रहती थी। अच्छा, और बड़े बड़े ढेर निकलते थे। अच्छा, और उस वजह से अब क्या है कि एक तो पौधा बहुत अच्छा बन रहा है और किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी विशेषता है अभी जो इस फील्ड में देखने को मिल रहा है, आप ये कन्यारा से देखिए, इतना ज्यादा केंचुओं की विष्ठा दिखाई दे रही है। ये देखो, ये पूरे केचुए मिट्टी जमीन के अंदर से मिट्टी दो जो है 1 फीट 1.5 फीट नीचे से मिट्टी खा के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी संख्या में केचुए की विष्ठा दिखाई दे रही है। जहां पर जैविक जीवन शैली विज्ञान काम करेगा वहां ऐसे ही केचुओं की विष्ठा बनती रहेगी। महक देखिए इसका।
एक सौंधी सी खुशबू है इसमें। सौंधी खुशबू है ना, खुशबू आ रही। कितनी खुशबू आ रही इसमें? मतलब उनकी अपेक्षा तेज है, तेज है खुशबू। हाँ। जो नॉर्मल मिट्टी होती है वहां से केचुए बहुत मिले मुझे। अच्छा, मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम बनाने की पद्धति सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, शेयर भी करें। भूमि उपचार की सारी पद्धति जल्द ही इस चैनल पर आने वाली है।